डिवाइस को पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने पर हमें इसमें एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्ड बाय iOS जियो। ये रहा उसका बूट एनिमेशन। जियो डिजिटल लाइफ एक एनिमेशन के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। ये देखिए इस फ़ोन में बैकलिट LEDs मिल रहा है, जिसका मतलब हम इसमें रात को भी इसका बटन्स यूज़ कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम। ये उसका बूट साउंड था। तो ये देखिए ये है उसका यूज़र इंटरफेरेंस। यहाँ पे हमें ये रहा उसका स्टेटस बार, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है LTE। और अगर सही से इसका ब्राइटनेस एक मिनट कम कर लेता हूँ तो ये रहा इसका क्विक सेटिंग पैनल, जिसमें हम कुछ क्विक सेटिंग्स कर सकते हैं। रुकिए एक मिनट में इसका ब्राइटनेस घटा दूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो LTE बैटरी सिंबल, यहाँ पे जियो 4G भी लिखा हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पे अलर्ट्स और कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे कुछ बटन्स के शॉर्टकट्स दिए गए हैं। जैसे ये वाला बटन है जियो पे का शॉर्टकट, ये वाला है माई जियो ऐप का शॉर्टकट, ये रहा पावर बटन का शॉर्टकट, और ये रहा वीडियो कॉल का शॉर्टकट। यहाँ पे एक टॉर्च लाइट मिलता है, और ये रहा हमें इसको लॉन्ग प्रेस करने पर हमें हेलो जियो का शॉर्टकट दिया गया है। तो यहाँ पर हम जाते हैं इसके मेन्यू में। मेन्यू में जाने पर एक मिनट रुकिए। अब जाते हैं इसके सेटिंग्स ऐप में। एक मिनट रुकिए, जरा इसको मैं फोकस कर लूँ। तो ये रहा इसका वीडियो ऐप। यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स ऐप पर। तो ये रहा इसका सेटिंग ऐप। यहाँ पे हमें मोबाइल नेटवर्क डेटा मिल जाता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे लोकेशन सर्विस भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में अगर ओला उबेर ऐप बेस में आता है तो इसको भी हम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ साउंड ऑप्शन, सर्च ऑप्शन, मतलब ब्राउज़र में सर्च करने पर हमें डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन क्या चाहिए उसके बारे में है। और यहाँ पे डेट एंड टाइम, और ये रहा अलर्ट्स नोटिफिकेशन पैनल जिसको कहते हैं इसमें, उस बारे में भी है। अभी जाते हैं इस तरफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। प्राइवेसी सिक्योरिटी में हमें सिम सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक, ऐप परमिशन और डू नॉट ट्रैक का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी कुछ है। जैसे हमें 4GB इंटरनल स्टोरेज से हमें 2 और लगभग 2 GB फ्री मिल जाता है, और इसमें हम लोग शायद OTG भी डाल सकते हैं, OTG कनेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे USB स्टोरेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये मेन्यू भी है। अब जाते हैं डिवाइस इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें बैटरी अभी 67% है, और ये रहा मेरा मॉडल नंबर F90M, और ये है उसका सॉफ्टवेयर iOS 2.0। यहाँ पे कुछ लीगल सोर्स ऑप्शंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर वर्जन, इसमें क्वालकॉम वाला ये वर्जन है। इसमें मैक एड्रेस, IMEI नंबर इसका दिया गया है, और यहाँ पे है उसका बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर को क्लिक करने पर हम कोई डेवलपर ऑप्शन को इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अपडेट चैनल्स भी दिया गया है।
नीचे जाएं तो हमें यहाँ पे लाइव सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन भी मिल सकता है, मतलब जिससे हम लोग इस फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। अभी ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे है, पर बहुत जल्द ही इसमें एक और अपडेट आएगा जिसमें फेसबुक और यूट्यूब ऐप भी शामिल हो जाएगा इस फ़ोन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कई सारे जियो ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे जियो गेम्स, जियो म्यूज़िक, जियो शेयर, जियो टीवी, जियो वीडियो कॉल, जियो एक्सप्रेस न्यूज़ और माई जियो ऐप। ऊपर एक हेलो जियो ऑप्शन और जियो सिनेमा भी है। यहाँ पे आपको सारे बेसिक ऐप्स मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉक्स। यहाँ पे एक जियो स्टोर भी है जिससे हम ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ जियो ऐप्स ही इंस्टॉल किए जा सकते हैं, पर फ्यूचर में और कुछ ऐप्स भी इंक्लूडेड होने वाले हैं। इसमें हमें कैलेंडर और वगैरह वगैरह सब मिल जाता है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है साउंड रिकॉर्डर। इसमें साउंड रिकॉर्डर नहीं दिया गया है। एक ऐप जो मतलब हम डिफ़ॉल्ट ऐप कोई साउंड रिकॉर्डर नहीं दिया गया है, शायद फ्यूचर अपडेट्स में आ सकता है या फिर ऐप स्टोर में बहुत जल्दी कोई साउंड रिकॉर्डर ऐप आ जाए तो अच्छा होगा। और बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। तो मैं आपको इसके और कैमरा टेस्ट और बाकी सब कुछ चीज़ें किसी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।